आज 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं एवं अभिभावक एवं इस शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षक गणों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपना देश को आजाद कराने में इस देश के बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, तब जाकर अपने देश के आजादी का दहलीज पर हम लोगों ने कदम रखा। बात यही नहीं खत्म होती, इतने कुर्बानियों के बाद भी अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत को आजाद किया जाए, क्योंकि इसका मुख्य कारण था इस देश का संविधान। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि उसी देश को स्वतंत्रता मिलती है जिस देश का अपना संविधान हो, तो यह भी एक समस्या बहुत बड़ा था कि भाई अपने देश का संविधान ही नहीं रहेगा तो अपना देश आजाद नहीं होगा, अंग्रेजों ने शर्त रखा था। उस भीषण परिस्थिति में इस देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका जिम्मा सौंपा गया, जिन्होंने लंदन में जाकर के गोलमेज सम्मेलन में अपने देश की आजादी का पुरजोर समर्थन किए और दावा किए कि पूरे दुनिया में जिस जिस देशों का संविधान जितने दिनों में बना है उससे कम समय में उससे अच्छा संविधान हम बनाकर दिखाएंगे। तब अंग्रेजों ने कहा कि चलो आज से देश तुम्हारा आजाद हुआ। तो साथियों, अपना देश का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगे थे। अंग्रेज ने ये मान गए लोहा इतने कम समय में इतना सुंदर संविधान किसी भी देश का नहीं है इस पूरी दुनिया में। साथियों, इसके साथ कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है, और भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ हर जाति, हर धर्म, हर कौम, हर भाषा, हर पोशाक, हर खाना खाने वाले लोग रहते हैं। इसलिए अपना देश पूरे विश्व में एक अजूबा देश है। लेकिन दुर्भाग्य है, समय समय पर अपने देश में ही कुछ लोगों ने इस देश के इस परंपरा को, इस पहचान को खत्म करने पर लगे रहते हैं, जिसका खामियाजा देश के हम आम लोगों को भुगतना पड़ता है। साथियों, मैं आप सभी छात्र छात्राओं से एक संदेश देना चाहूँगा कि आज 26 जनवरी के इस झंडोत्तोलन के अवसर पर आप सभी ये शपथ लें कि जो परंपरा, जो संस्कृति, जो हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं उसको अक्षुण रखने के लिए हम सभी एक पैर पे खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। आप लोग हाथ ऐसे करके शपथ लें कि जो भी संविधान की आत्मा पर चोट करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति हमारे संविधान की आत्मा पर चोट करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे संविधान में जो एकता, समानता, अखंडता और पूजा पाठ